वेलकम बैक टू माय ब्लॉगिंग चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे इधर प्लेस है स्वांखा, ठीक है, तो मैं उसका ब्लॉग ज़रूर डालूंगा। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है, ठीक है। हम जा रहे हैं स्वांखा, जहाँ पर बाबा सिद्ध गौरिया का स्थान है, ठीक है। तो वहाँ पर जाएंगे और अपना ब्लॉग शूट करेंगे, आपको पूरा दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. So finally guys, अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा सिद्ध गौरिया के स्थान पर। तो ऐसा कहा जाता है कि बाबा गोरखनाथ जी जहाँ पर चलकर पानी में चलकर आए थे और जहाँ पर उन्होंने समाधि ले ली थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो उनका मंदिर बना है वो भी पानी के बीचों बीच भी बना है। तो ऐसे लोग मानते हैं कि बाबा सिद्ध गौरिया जहाँ पर ही रहते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है बाबा गोरखनाथ जी की तस्वीरें, ठीक है। ये जो पूरा तीर्थ स्थान है ये बाबा गोरखनाथ जी का ही है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ उनकी। तो एक जहाँ पर भी है बाबा सिद्ध गौरियनाथ जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस ये कुछ और देवी देवताओं की तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। सभी के नाम तो गाइस मुझे नहीं पता है, लेकिन जिसके पता है उसके बता सकता हूँ, सभी के तो नहीं पता मुझे, ठीक है ना। इसमें से कुछ बाबा कालीपीर के हैं, कुछ माता के हैं, कुछ बाबा गोरखनाथ जी के हैं, हनुमान के भी हैं, माता के भी हैं। जो मुझे पता है मैं वही बता पाऊँगा, ठीक है ना। जो मुझे नहीं पता वो मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। गाइस अभी हम वापस आ रहे हैं, तो बाहर देखो कि कितना ज़्यादा मेला लग चुका है। देखो
मैं दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा मेला लग चुका है यहाँ पर, खिलौने हैं यहाँ पर, ठीक है, और भी खाने पीने की चीज़ें जो भी अंदर सामान ले जाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बाबा गोरखनाथ जी की तस्वीरें भी आप देख सकते, कितनी सारी तस्वीरें हैं। तो और भी अभी दिखाता हूँ, रुको रुको कहाँ गए, हाँ वो देखो आगे, जहाँ पर भी देखो कितना सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है। ये खाने पीने की चीज़ें हैं, तो ये भी बच्चों के खिलौने, ठीक है ना। ये यहाँ पर जलेबी और पकोड़े बने हैं, किस किस का मन कर रहा है खाने का बताओ। देखो हाँ, जहाँ पर भी बाबा गोरखनाथ और शेषनाग के तस्वीरें, को कितना ज़्यादा मेला लग चुका है यहाँ पर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जो कि सुहागा बाबा सिंह गोरिया वाला था। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का ब्लॉग जैसे ख़त्म होता है।